जंग में फंसे इसराइल की मदद के लिए जी जान से जुटा दोस्त भारत। इसराइल की ऐतिहासिक मदद का ऐलान करने वाला है भारत। क्या इसराइल को ब्रह्मोस मिसाइल भेजने का मन बना चुका है भारत? इसराइल के दुश्मनों पर अकेले ही भारी पड़ जाएगी ब्रह्मोस मिसाइल। जल्द भारत करने वाला है इसराइल के लिए विश्वसनीय अकल्पनीय धमाका। इसराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच खूनी जंग चल रही है। इस जंग में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत डरावनी हैं। इसराइल पर पिछले 50 साल में ऐसा हमला कभी नहीं हुआ। ये मानकर चलिए कि इस इसराइल की स्थापना के बाद उस पर किया गया ये सबसे बड़ा हमला है। अब ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि भारत और इसराइल की दोस्ती बहुत गहरी है। हमने आपको बताया भी है कि इसराइल ने एक नहीं कई बार भारत की मदद की है। ऐसे में अब इसराइल उसके इतिहास के सबसे बड़े संकट में है, तो अब इसराइल को भारत के सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे में अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत किस तरह से इसराइल की मदद करता है। साथ ही भारत के पास जो हथियार हैं उनको लेकर भी अब दुनिया में बातें होने लगी हैं, जो हमास को राख में तब्दील कर सकते हैं। भले ही भारत इसराइल से हथियार इम्पोर्ट करता आया हो, लेकिन फिर भी भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो हमास आतंकियों की कब्र खोद सकते हैं। दोस्तों, भीतर खाने ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने तुरंत प्रभाव से इसराइल की मदद करने का ऐलान किया है, ऐसे में भारत इसराइल को हथियार दे सकता है तो एक ही बार के इस्तेमाल में समूचे फिलिस्तीन को तबाह कर देंगे। ऐसे में पहले नंबर पर जो हथियार है उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि भारत इसराइल को ब्रह्मोस मिसाइल दे सकता है इस जंग में इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो हमास आतंकियों के चिथड़े उड़ जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि अगर भारत ने इसराइल को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी तो उसका अंजाम क्या होगा फिलिस्तीन पर, और ये कितना नुकसान कर देगी फिलिस्तीन का। क्या इसराइल की मदद के लिए तैयार होने वाला है ब्रह्मोस? अकेली मिसाइल जो इस जंग में दुश्मन पर पड़ जाएगी भारी। दोस्तों, वैसे तो इसराइल के पास पहले से ही कई मिसाइलें मौजूद हैं जो कम, मध्यम और लंबी दूरी तक टारगेट को हिट कर सकती हैं, लेकिन फिर भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में कोई काट नहीं है। विश्व भर में ऐसी कोई एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं बना हुआ है जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोक दे। यूं मानकर चलिए कि एक बार इसराइल ने ब्रह्मोस को दुश्मनों पर फायर कर दिया तो उनका राम नाम सत्य तय समझिए, क्योंकि ये मिसाइल अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से दो गुनी अधिक तेजी से हमला करती है और इसका प्रहार क्षमता टॉमहॉक मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। ये मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल सिर्फ एक कमांड के साथ ही हवा में ही अपना रास्ता बदल लेगी और चलते फिरते टारगेट को खत्म कर सकती है। एक और बात कि ये मिसाइल जमीन से सिर्फ 10 मीटर ऊपर ही उड़ती है, जिससे दुश्मन का रडार कितना भी अत्याधुनिक हो इसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। वहीं इस मिसाइल की तकनीक को और एडवांस करने के लिए भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उदाहरण के लिए इसकी रेंज को 290, 500 और उसके बाद 800 किलोमीटर तक किया जा चुका है, यानी 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर लॉक करके अगर इस मिसाइल का बटन दबा दिया गया तो ये विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं कि उसे बचा ले। इसराइल के पास जाएगी भारत की PJ-10 मिसाइल, वो तकनीक जो इसराइल छोड़ो किसी के पास नहीं। दोस्तों, भारत के दूसरे दोस्त देश रूस के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है P-800 ऑनिक्स, और यही वो मिसाइल है जिसमें ऐसी तकनीक लगी हुई है जो ना अमेरिका जानता है ना ही चीन। अमेरिका तो इस मिसाइल की तकनीक को लेकर हैरान हो चुका है, क्योंकि यही वो मिसाइल है जिसकी तकनीक ब्रह्मोस में कुछ इस तरह से लगाई गई है कि आज ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बन गई है। हाल ही में भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 500 की जगह 800 किलोमीटर कर दिया है। भारत की सफलता पर चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो इस मिसाइल की काट तो पहले से ही नहीं जानता था। अब दूसरी जोरदार खबर यह है कि जल्द ही ब्रह्मोस की रेंज 800 से बढ़कर 1000 किलोमीटर होने वाली है, और ये खुशखबरी आपको कभी भी मिल सकती है। ये समुद्र और जमीन पर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम हो रहा है। इस मिसाइल को रूस ने शुरू में बनाना स्टार्ट किया था तो इसकी अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर थी, और तब उसका नाम गोमेद था। अब नवीनतम ओनिक्स वेरिएंट ओनिक्स एम की अधिकतम रेंज 800 किलोमीटर है और इसकी पूरी तकनीक ब्रह्मोस पर फिट की जा रही है। दुनिया इसे अब PJ-10 उसी P-800 का दूसरा नाम है जिसका सबसे बेहतर वर्जन ब्रह्मोस के रूप में सामने आया है। असल में P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल ही ब्रह्मोस मिसाइल का बेस है, जहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तकनीक ईजाद की जा रही है। इसकी टेस्टिंग भारत में ही नहीं बल्कि रूस में की जा रही है। भारत ने शुरू में इसकी रेंज को 290 किलोमीटर जानबूझकर रखी थी ताकि भारत इसका व्यापक स्तर पर निर्यात कर सके और इसके जो भी एडवांस वर्जन हैं जो ज्यादा मारक क्षमता वाले हैं वो खुद के पास रख सके।
आपको यहाँ ये बता दें कि भारत सिर्फ उन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात कर रहा है जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है, ताकि मिसाइल तकनीक नियंत्रण संधि की शर्तों का पालन किया जा सके। इसमें अमेरिका भी किसी प्रकार की टांग नहीं अड़ा सकता है। ये मिसाइल इसराइल अगर यूज करता है तो इसके लिए ये परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इसमें लगी मैन्युवरेबल तकनीक इस जंग में सबसे ज्यादा कारगर रहेगी। जी हाँ, इस मिसाइल की सबसे खास बात ही इसे बाकियों से अलग करती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंट्रोल और मैन्युवरेबल तकनीक। अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो ये काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उसके बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता। वहीं मैन्युवरेबल तकनीक की बात की जाए तो आप आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है जो एक टारगेट है। ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है, उसी तरह ये मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाएगी, यानी किसी भी हाल में उसे छोड़ेगी नहीं। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भारतीय सीमा पर तैनात हैं, जबकि सुखोई विमानों में भी ब्रह्मोस लगी हुई हैं। खैर दोस्तों, आपके विचार से क्या भारत को इसराइल की मदद के लिए ब्रह्मोस मिसाइल तुरंत ही इसराइल को सौंप देनी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।